कसोल में जो सबसे ज़्यादा मज़ा है वो इनका है, कैंप्स का, कसोल एडवेंचर कैंप, ट्रैवल ट्रैक्स कैंपिंग। ये नदी के बगल में कैंप बने हुए हैं स्टे के लिए, इतना खूबसूरत रहता है रात को। खाली पड़ा है अक्टूबर में। ये एडवेंचर है, इस तरह का ही है। तीन चार पांच बंदे उस तक कर सकते हैं, पांच बंदे अकोमोडेट हो सकते हैं इसमें। अभी तो ऑक्सीजन पूरा खाली है। ये आपको मैं दिखाना भूल गया एक मेन चीज़, ये है महादेव टेंपल, बंतूर एयरपोर्ट के कसोल, कसोल का एडवेंचर कैंप शुरू हो जाते हैं, मलाना कसोल। ये पूरा उन्होंने खीरगंगा ट्रैक ट्रैकिंग हो रही है, ये पूरा इधर का इन्होंने बना दिया है। पार्वती कैंप कसोल कैफे, नीचे गद्दा लगा दिया, वॉशरूम बढ़िया है, साफ सुथरा क्लीन। अभी देखते हैं ये बॉनफायर, ये है सिल्किन हाइव कैंप। इसके पास तो पार्किंग और भी ज़्यादा अच्छी है, वाइब्स का मैटर है यहाँ पे, यहाँ जो स्टे है वाइब्स है। ये सबसे बढ़िया लगा मेरे को। और रिवर साइड भी है कोई टेंट? ये ऑफ सीजन में 1500 मांग रहे हैं, बट जाया जाए इतना साफ सुथरा है 1500, ऑफ सीजन में बता रहे हैं 8-9 हज़ार हो जाता है। ये इसकी वाइफ ज़्यादा अच्छी है। ये है कसोल रिवर साइड, देखते हैं कैसा है। इन पेड़ों के पार है पार्वती नदी। कितना किराया पड़ता है अपने इसका? 1500 रुपये। इस कैंप में थोड़ी भीड़ है क्योंकि यहाँ पे तीन जगह सही गाड़ी आ रखी है। G10 भैया नींद तो नहीं आई। किस टाइम पर बसता है ये डीजे? किस टाइम पर बसता है? अच्छा भाई, फाइनली ले लिया आपने अभी अपना टेंट रिवर साइड पार्वती नदी के। ये वॉशरूम होम है, सिंगल ही ले लिया, इतना बड़ा कोई नहीं, लेकिन वाइब बहुत अच्छी है बाहर की। बॉनफायर, ये पार्वती नदी। तो गाड़ी करती पार्क, सबसे अच्छी बात है कि इनके पास पार्किंग भी है प्रॉपर, रोड पे खड़ी नहीं करनी पड़ेगी गाड़ी, और भीड़ भी नहीं अभी तो। ये अपना कैंपिंग एरिया, ये टेंट अपना।